जय बाबा केदार। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ का धाम। मेरा नाम मोहित महावर है, अलौकिक मैं आज केदारनाथ मंदिर आया हूँ। यहाँ पर मेरे दर्शन बहुत अच्छी तरीके से हो गए। यहाँ पे व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, व्यवस्थाओं से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ पे रहने खाने पीने की व्यवस्था, इन सब से मैं इतना प्रसन्न हूँ। साफ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पे, मतलब इतना बढ़िया प्रशासन यहाँ पे मैंने देखा है ना, वो मेरा मन वो हो गया, प्रसन्न हो गया पूरा यहाँ पे। और यहाँ पे आप भी आइए, आप सब आइए यहाँ पे। यहाँ पे रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं, बस थोड़ा आपको ट्रैक चल के आना है, 20-25 किलोमीटर, वो कितने 16 किलोमीटर चल के आना है, लेकिन कोई नहीं, सब मंदिर है, बाबा है तो सब चलता है। इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, बाबा जी के दर्शन करने हैं तो आपको इतना चलना ही पड़ेगा। रेडी में अपना नाम, मेरा नाम मीनाक्षी मिश्रा है, हम यूपी मैनपुरी से आए हुए हैं और यहाँ पे आकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, बाबा के दर्शन करके बहुत खुशी हुई हम सबको, सभी हम सब साथ में आए, एक परिवार है हम। कैसा लगा सबको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। हेलो, मेरा नाम सिद्धि जोशी है और मैं अहमदाबाद से हूँ। मेरा अनुभव यहाँ पे बहुत अच्छा रहा, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी की फील हुई मुझे और यहाँ साक्षात शिव बाबा है जो मुझे फील हुआ और यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पर इतनी बड़ी लाइन है, कहीं पर पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइन में कहीं यात्री बेहोश हो रहे हैं, पब्लिक उठा के लेके जा रही है हॉस्पिटल में, कोई व्यवस्था नहीं है पुलिस फोर्स की। इस लाइन में आपको कहीं भी एक कर्मचारी नहीं दिखाई देगा गवर्नमेंट का, यही भीड़ है केदारनाथ में। उदयपुर से गोल चौक तक कोई व्यवस्था नहीं है पुलिस फोर्स की। नमस्कार, मैं बीनल जानी गुजरात गांधीनगर से हूँ। आज हम यहाँ दर्शन करने आए हैं, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, वाइब्रेशन भी अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरह के दर्शन हो गए हैं हमारे। यहाँ भोजनालय सब कुछ व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, तो आप सब जरूर से दर्शन पे आना। नमस्कार। संख्या बढ़ती जा रही है, कितने संख्या अभी तक हो गई है और आने वाले 1.5 महीने में क्या रहेगा? क्योंकि आप देखेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार जो यात्रियों की संख्या अभी तक 15 लाख हो चुकी है और अभी जो 1.5 महीने का हमारा समय बचा हुआ है यात्रा के लिए, उसमें हमें उम्मीद है कि अभी ये संख्या लगभग 2 से 3 लाख और जाएगी। तो इस बार मुझे लगता है कि जो हमारा यात्रियों का रिकॉर्ड है इस बार बन जाएगा और दिन पर दिन जैसे जैसे सुविधाएं सड़क ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं वैसे वैसे यात्रियों की संख्या भी केदारनाथ जाने वालों के लिए बढ़ रही है, जारी है और लगातार संख्या भी बढ़ती है। अभी तक कितने लोगों की संख्या पहुंच चुकी है और किस तरह से यात्रा चल रही है? श्री केदारनाथ धाम के पार्ट अप्रैल माह में खुलने के बाद अभी तक वर्तमान तक हमारे पास 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं और यात्रा चरम पर है। सभी श्रद्धालु देश विदेश से लगातार भगवान केदारनाथ जी के दर्शन के लिए पधार रहे हैं। उनकी व्यवस्थाओं के लिए जो है बद्री केदार मंदिर समिति
जो संकल्प है उनकी समुचित व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। यात्रा मार्ग पे रेंजर प्रशासन से मिलते हुए और समुचित व्यवस्थाएं अलाउड की व्यवस्थाएं भी वहाँ पर सुनिश्चित हैं, ठहरने की व्यवस्थाएं हैं। और इस लिहाज से अभी क्योंकि यात्रा में एक माह का और समय है, तो एक से डेढ़ माह का समय है, तो इसमें और यात्री भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए बधा रहे हैं, तो संख्या 100% बढ़ी।